नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब के जालंधर शहर में इन दिनों नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच खासी सक्रिय है। शहर में अवैध निर्माण पर पूरी पैनी निगाह रखे हुए है। पिछले दिनों नगर निगम बिल्डिंग ब्रांच ने गोपाल नगर में शहर के बत्रा पैलेस के मालिक बत्रा भाइयों द्वारा बनाई जा रही 14 दुकानों को नोटिस भेजने के बाद गिराने की कार्यवाही की थी। मौके पर नोटिस भी दिया था कि जब तक भवन निर्माण को लेकर नगर निगम की शर्तें पूरी नहीं होती तब तक कार्य शुरू नहीं किया जाए। लेकिन निगम के आदेशों को धता बताते हुए बत्रा ब्रदर्स ने सबकी आंखों में धूल डालने के लिए जुट से बनी एक लंबी चौड़ी ग्रीन शीट मंगवा कर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था को कवर कर दिया। इसके बाद दोबारा फिर से गिराई गई दीवारों को छुट्टियों के दौरान खड़ी करवा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, रातों रात काम चला कर दीवारों पर छत डालने का भी काम शुरू करवा दिया और शटरिंग लगवा दी। लेकिन इनकी भनक बिल्डिंग ब्रांच को लग गई। सहायक कमिश्नर शिखा भगत ने तुरंत एक्शन लेते हुए एमटीपी और एटीपी को कार्यवाही के आदेश दिए। एमटीपी नीरज भट्टी और एटीपी सुखदेव विशिष्ट सहायक कमिश्नर के आदेशों का पालना करते हुए अपनी टीम लेकर पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। निगम के कर्मचारियों ने कार्यवाही करते हुए वहां से ग्रीन शीट को हटाकर अपने कब्जे में ले लिया और जो लेटर डालने के लिए शटरिंग इत्यादि डाली थी सभी चीजों को सील कर दिया है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि डिमोलिशन की कार्यवाही होने के बावजूद दोबारा फिर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि काम को दोबारा फिर से रुकवा दिया गया है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।